नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। परिवर्तन थोड़ा सा हुआ हमारे शेड्यूल्स में। जो शेड्यूल हमारा 24-25 से शुरू होने वाला था वो पोस्टपोन हो करके 8 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो जयपुर 8, 9, 10, 11 रहेंगे हम इंदौर में और फरवरी में, और सब इसी तरह से आगे बढ़ गया है। तो नए शेड्यूल्स के लिए आप हमारे कार्यालय के नंबर्स पर और नीचे चल रही पट्टी पर देख लीजिएगा। ये परिवर्तन थोड़ा सा कुछ विशेष कार्यों की वजह से करना पड़ा हमें, तो एकदम से अचानक परिवर्तन हुआ है, जिसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। जिन्होंने बुकिंग कराया है वो अपना नेक्स्ट शेड्यूल देख लें। बात आज के पूरे दिन के हाल की करेंगे, राशियों की करेंगे, कौन सी राशि को आज क्या कुछ मिलने वाला है, कैसे प्रकृति आपकी मदद करने वाली है, कैसे हमारा सानिध्य आपके लिए कुछ विशेष ऊंचाई छुआने वाला है, कैसे आप आज के दिन को अपने निमित्त परम मंगलकारी कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आप तक हम आज पहुंचाएंगे। बात करेंगे पंचांग की, सक्सेस की भाग्याक्षर की, और आइए शुरू करते हैं आज के ज्योतिष दिशा को। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। पौष माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, चंद्रमा आज मिथुन राशि में है, नक्षत्र आज पुनर्वशु रहेगा और योग रहेगा विषकंभ। तदनुसार दिनांक 27 जनवरी दिन बुधवार। बुधवार को राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। राहुकाल में नए और शुभ काम को शास्त्र मना करते हैं। और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। गुलिक काल वो समय जिसे जब चाहें आप कैश कर लें, जैसे चाहें आप कैश कर लें, जो चाहें आप कैश कर लें। बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक आज की भविष्यवाणी की, लेकिन एक बार पुनः बता देते हैं कि आगामी 12 फरवरी से 16 फरवरी आप अपने बच्चों के लिए हमारे गाजियाबाद कार्यालय संस्थान में होने वाले दिव्य यज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, हमारा जो कार्यालय का सारा नंबर चल रहा है, किसी पर भी आप पूछ लीजिए कि आपको उस यज्ञ का हिस्सा बनना है। तो आप डिटेल लेने के लिए बसंत पंचमी महाअनुष्ठान लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के भविष्यवाणी की। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ एक अर्थों में मानसिक तनाव देने वाला है। शिक्षा में आज बाधा पड़ेगी, शिक्षा हो नहीं पाएगी, व्यापार विलक्षण चलेगा, कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट सेक्टर में तनाव बढ़ेगा। आज प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए कुछ मानसिक वेदना मिलेगा, मानसिक कष्ट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत शुभ है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर आज आपके लिए सकारात्मक बदलाव ले आएगा। दांपत्य जीवन आपके लिए नई शुरुआत कराने का एक माध्यम है। दांपत्य जीवन में एक नया आरंभ कर सकते हैं। अगर दांपत्य जीवन में किसी तरह की समस्या पहले से थी तो उसका हल भी आज निकाल सकते हैं। लव लाइफ आपके लिए मानसिक रूप से कुछ कष्ट शुरुआत में देगा, 12-1 बजे के बाद सामान्य होने लग जाएगा और रिश्ते को आप ऊंचाई दे सकते हैं। लव लाइफ थोड़ा सा ठीक ठीक और थोड़ा सा नरम गरम चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि 27 जनवरी क्या उपाय करना चाहिए, पहले स्वास्थ्य बता दें। आज जुखाम बुखार के साथ साथ शुगर की दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी राशि मेष है तो प्रयोग के तौर पर आज गौशाला में हरी सब्जी गौ माता के लिए दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बोल नहीं देना है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। वृषभ राशि, आज वृषभ राशि वालों के लिए 27 जनवरी को पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अचानक से कुछ पारिवारिक दिक्कतों के कारण पढ़ाई प्रभावित होगी, लेकिन व्यापार आज आपका अच्छा चल रहा है,
बिजनेस में कोई रुकावट परेशानी नहीं दिखाई देती। प्राइवेट सेक्टर के लिए आज वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में बदलाव की संभावना है। सरकारी क्षेत्र आज आप पर प्रेशर बनाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आज आप पर दबाव बनने जा रहा है बॉस का, आपके अधीनस्थ अधिकारियों का। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को आज सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी के विचार आपके विचार से कम मिलेंगे, एक दूसरे को समझने में मुश्किल आएगी, लेकिन लव लाइफ बहुत विलक्षण है। दोनों को समझ में आएगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वृषभ राशि 27 जनवरी बुधवार, स्वास्थ्य, आँख, सांस में दिक्कत, पेट की दिक्कत, आज इतनी समस्याएं हो सकती हैं। उपाय क्या करना चाहिए? आज प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा का ध्यान करके एक छोटी इलायची उनके चरणों में रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज किसी भी कीमत पर दूसरे पे भरोसा नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 58:58। मिथुन राशि, दिनांक 27 जनवरी दिन बुधवार। शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल रहेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी। व्यापार आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, रिस्क नहीं लेना है। प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तन की स्थिति बन सकती है, आप इसके लिए प्रयास करिए। सरकारी क्षेत्र में कुछ आपके षड्यंत्रकारी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। पेट की दिक्कत के कारण आपका मन भी नहीं लगेगा, आज डाइजेशन बहुत प्रभावित करेगा आपको। दाम्पत्य जीवन सो है, पत्नी के विचार थोड़े से मिलेंगे भी, थोड़े से नहीं भी मिलेंगे, बट अगर आपने प्रयास किया तो पूरी तरह से मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र आपके लिए विलक्षण स्थिति में लाया था, पत्नी के साथ परिस्थितियां भी हर प्रकार से आपके पक्ष में, तो लव लाइफ को लेकर के बस केवल थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। मिथुन राशि 27 जनवरी बुधवार, स्वास्थ्य के मामले में आज कमर में दर्द, आँख की तकलीफ, पेट की तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह से काम में भी दिक्कत हुई। प्रयोग के तौर पर मिथुन राशि वालों को आज उल्टी हथेली पर थोड़ा सा सरसों का तेल रख करके कहीं डाल दीजिएगा। क्या नहीं करना है? अगर आपकी राशि मिथुन है तो आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, 27 जनवरी दिन बुधवार। शिक्षा बहुत अच्छी करेंगे, शिक्षा में कोई दोष कोई परेशानी दूर दूर तक नहीं है। व्यापार में आज रिस्क लेंगे, उसका परिणाम भी दिखेगा। आज बड़ा विस्तार भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए आज वाहन से चोट चपेट की संभावना है और थोड़ा बॉस के साथ भी विवाद की स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई समस्या नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन आप पर आज बहुत ज़्यादा असर करने जा रहा है। लव लाइफ में उठा पटक है, लव लाइफ की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं है, कुछ परेशानियां लव लाइफ में आपको परेशान करेंगी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन किडनी ब्लड इन्फेक्शंस, कुछ पेट और डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। कर्क राशि को उपाय क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि कर्क है तो तीन छोटी इलायची सरसों के तेल में स्पर्श करके किसी पौधे के नीचे अपने हाथों से डाल दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज किसी को उधार नहीं देना है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 59:59। सिंह राशि, दिनांक 27 जनवरी दिन बुधवार। शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल आप तैयार करेंगे और उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार आपके लिए एक अलग तरह की पहचान छेड़ने जा रहा है, बिजनेस में कुछ बड़ा करने की चाहत पूरी कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग प्रभाव दिखाएगा, किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ गड़बड़ कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर सजग रहिएगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए नई पहचान बनाएगा, संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति देगा। लव लाइफ में कुछ उलझनें थीं जिसका हल आज दोपहर के बाद निकल आएगा। स्वास्थ्य के मामले में सिंह राशि वालों को लीवर से संबंधित दिक्कत और ब्लड प्रेशर की समस्या आज हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम भी आपको परेशान करेगी बहुत ज़्यादा, मतलब चिलकन सी होगी।
सिंह राशि वालों के लिए प्रयोग के तौर पर आज भगवान गणेश का ध्यान करना है और एक दुर्वा का टुकड़ा गणेश मूर्ति के समक्ष रख देना है। प्रणाम करते हुए भगवान श्री गणेश आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करें। सिंह राशि को क्या नहीं करना चाहिए आज? आज क्रोध में आकर कोई फैसला मत ले लीजिएगा, आपके अगेंस्ट जाने वाला है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया, भाग्य प्रतिशत मात्र 49 कम है। कन्या राशि, सुबह ही आपको एक एनर्जी की अनुभूति होगी, लाभ के अवसर बनेंगे, परेशानियों का पूरी तरह से निस्तारण होगा, हर प्रकार की सकारात्मकता आपके साथ जुड़ी रहेगी। व्यापार आप अच्छा करेंगे, बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा, प्राइवेट सेक्टर में हर प्रकार की शुभता रहेगी। सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर पर जितना विशेष ध्यान देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन, पत्नी के साथ कुछ उठापटक, कुछ इधर की उधर करना भारी पड़ेगा। लव लाइफ आपके लिए बहुत सकारात्मक है, लव लाइफ में कोई इशू नहीं आएगा, हर प्रकार की शुभता लव लाइफ में रहेगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य, कुछ बैक की प्रॉब्लम, कुछ पेट की समस्या, कुछ आंखों की दिक्कत हो सकती है। कन्या राशि के लिए एक और समस्या होगी आज, जुकाम बुखार। 3-4 बजे के बाद थोड़ा सा फील करेंगे अंदर से, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। उपाय क्या करना चाहिए? आज के दिन एक लौंग उल्टे हाथ से खाना है। कन्या राशि, 27 जनवरी मंगलवार, माफ कीजिएगा बुधवार, क्या नहीं करना है? अगर आपकी राशि कन्या है तो आज खुद पर अविश्वास मत करिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 68, तुला राशि, दिनांक 27 जनवरी दिन बुधवार। पढ़ाई तुरंत होने जा रही है, शिक्षा में कोई रुकावट आज नहीं है। व्यापार के लिए भी बहुत अनुकूल माहौल है, तो बिजनेस आप अच्छे से कर लेंगे, रुकावट यहाँ भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए एक अलग ऊंचाई छूने जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में सब कुछ बहुत आसान होगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए मुश्किलों से बाहर निकालेगा। लव लाइफ में आज संदेह है, बाकी स्थिति तो आप खुश तो सब खुश। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों को आज थोड़ा सा जुकाम बुखार और कुछ माइग्रेन की समस्या हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि तुला है? आज के दिन को बेहतर करना है, अब आपको उपाय हम बता रहे हैं। उल्टे पांव के अंगूठे में एक काला धागा बांधिएगा पूरे दिन के लिए और शाम को खोल दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज फ्रस्ट्रेट नहीं रहना है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 55, वृश्चिक राशि। अब आएगा मजा आपके जीवन में, सब कुछ बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। आज पढ़ाई बेहतरीन करेंगे, शिक्षा में जैसे सब कुछ आपके अनुसार चलेगा, लेकिन व्यापार में थोड़ा सा अप्स डाउन चलेगा। शाम तक सावधान रहें, नहीं तो समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। वृश्चिक राशि, प्राइवेट सेक्टर स्थिति अच्छी है, बम है, पूरी तरह से सकारात्मक है। सरकारी क्षेत्र के लिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर के सजग रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल, कुछ अच्छा फल देगा। लव लाइफ बहुत अच्छा है, अनुसार चलेगा और बात आगे बढ़ेगी, सब कुछ बहुत आपके पास। स्वास्थ्य के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों को शुगर की दिक्कत ज़्यादा परेशान कर रही है, माइग्रेन या सर में भारीपन जो बना है अभी चलता रहेगा, मंगल को थोड़ा सा अच्छे होने दीजिए। उपाय क्या करना चाहिए आप? नेत्रों को बंद कर हाथ को जोड़ लीजिए, बिस्तर पर बैठ जाइए और मेरे साथ, मैं अपनी माँ का नाम लेता हूँ, आप उसे ऊर्जा मिलती है, 3 बार और मन ही मन माँ को प्रणाम कर लीजिए। माँ पास में रहती हैं तो चरण छू करके प्रणाम कर लीजिएगा। क्या नहीं करना? आज काला रंग नहीं करना, पीले रंग की शुभता है, 63% का भाग आपके साथ है। धनुराशि, आज आप पर ग्रहों का स्पेशल कृपा बरसना है, खूब अच्छे से पढ़ाई होगी, शिक्षा में कोई दोष नहीं, शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार आपके लिए कुछ परेशानी का कारण बनेगा, को लेकर आपको प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत सकारात्मक है,
स्थिति आपके पक्ष में है। गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ स्थिति आपकी हाथ से निकलेगी। लेन देन को लेकर के कुछ स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती हैं, सावधानी के साथ हल करने का प्रयास करिए। दूसरों पर भरोसा मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, मेहरबानी यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन लव लाइफ की स्थिति, लव लाइफ प्रेमिका को या प्रेमिका संभालने का प्रयास राशि धनु है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन देखा जाए तो खांसी थोड़ी बहुत आ सकती है और दोपहर के बाद लीवर से संबंधित प्रॉब्लम डायग्नोज हो सकती है। अल्कोहलिक लीवर है तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है अगर आपकी राशि धनु है? आज धनु राशि वालों को अपने हाथ से किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने की चीज़ दे दीजिएगा। क्या नहीं करना भैया, आज बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 60, मकर राशि। परिस्थितियां आपके बहुत फेवर में हैं, लाभ के अवसर बनेंगे, परेशानी उठान देंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, व्यापार में थोड़ी रुकावट आएगी, बिजनेस में दिक्कत आ रही है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, परिस्थितियां आपके फेवर में हैं। सरकारी क्षेत्र में मुश्किलें आएंगी, गवर्नमेंट सेक्टर आपके पक्ष में नहीं है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन किसी तरह की दिक्कत नहीं है, परिस्थितियाँ हर प्रकार से सकारात्मक हैं। लव लाइफ आपके लिए लव लाइफ में कुछ समझ करके लव लाइफ को लेकर मकर राशि, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और अब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आज काम बुखार के साथ साथ स्किन प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मकर राशि के लिए उपाय क्या करना चाहिए? आज मकर राशि वालों को हरी सब्जी का दान जरूरतमंद को करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? 27 फरवरी बुधवार, आज ब्लैक कलर सफ़ेद रंग की शुभता है, 51% पाँच आपके साथ। कुंभ राशि वालों के लिए रुके काम बन जाएंगे, जहां पर भी समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी, पढ़ाई एकदम से अच्छी जाएगी, व्यापार परेशान करेगा, बिजनेस को लेकर के सजग रहिएगा, व्यापार में रुकावट आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर प्रकार की परेशानी से आपको बचाएगा। सरकारी क्षेत्र हर तरह से प्रमोट करने वाला है, लोगों की हर प्रकार की खुशी आपके साथ है। सरकारी क्षेत्र लाभ देगा, धन का भी। स्वास्थ्य बताएंगे, दाम्पत्य जीवन में स्थितियां आपके थोड़ा सा हाथों में है, थोड़ा सा बाहर है, सोच समझ करके कदम बढ़ाइएगा। कुंभ राशि वालों के लिए एक और सावधान रहने की बारी भी है, मैं बता दूं, लव लाइफ में आज अलगाव की स्थिति आ रही है, तो जितना अपने आप को संभालें उतना ही आपको अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत दांत और हड्डियों की दिक्कत है आज। प्रयोग क्या करना चाहिए आपको अगर आपकी राशि कुंभ है? आज चीनी आटा मिक्स करके मिलाकर पौधे के नीचे रखना है, किसी कागज पर, जमीन पे नहीं। क्या नहीं करना है कुंभ राशि वालों को? आज किसी को सलाह नहीं देना है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 50। अंतिम राशि मीन, दिनांक 27 जनवरी, दिन बुधवार। शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी करेंगे, रुकावट नहीं आएगी, व्यापार परेशान कर सकता है, बिजनेस को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर हैं। गवर्नमेंट सेक्टर मुश्किल पैदा करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ तनाव की स्थिति आएगी। दाम्पत्य जीवन सकारात्मकता है, दाम्पत्य जीवन में हर प्रकार की शुभता है, बड़े अवसर आज आपको मिलने वाले हैं और हो सकता है संतान संबंधी विशेष खुशखबरी मिले। लव लाइफ में सुधार हो रहा है, आज मिल करके एक दूसरे को समझते हुए मिल बैठकर बातें करके हल निकल सकता है समस्याओं का। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, सर में बहुत दर्द, भारीपन रहेगा और थोड़ा बहुत छाती में भी जलन वगैरह की शिकायत रहेगी, डाइजेशन प्रॉब्लम। उपाय क्या करना है आज? आज कच्चे चावल का दान किसी ज़रूरतमंद को किसी पात्र में लेकर के, बर्तन में लेकर के चावल का दान करना है, बर्तन का नहीं। क्या नहीं करना है आज? किसी भी बड़े के साथ जवाब तलब नहीं करना है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 59। बात अब आज के भाग्याक्षर की, वो छोटा सा भाग्याक्षर जो आपको मजबूत कर देता है। तो
नया शेड्यूल्स आपको मिल गया होगा जयपुर इंदौर मुंबई पुणे का, और इसी के साथ नागपुर रायपुर भी हम आने वाले हैं, तो ये सारे शहर कवर होने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, हम आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब आज के भाग्याक्षर की। मेष राक्षर वृषभ त मिथुन दाक्षर कर्क ल सिंह नागक्षर कन्या य तुला काक्षर वृश्चिक ग धनु घाक्षर मकर ह कुंभ पाक्षर मीन ख। आपके स्क्रीन पर भी लिख के चल रहा है, आप किसी भी अक्षर को अपनी राशि के अनुसार अपने लग्न के अनुसार दोनों के अनुसार लिख कर रखिए, आपका बस लाभ ही लाभ लाभ ही लाभ लाभ ही लाभ होगा। चलते चलते आज की सक्सेस की। किसी भी पौधे के नीचे की मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक किसी भी फिंगर से इंडेक्स फिंगर से ही कर लीजिएगा। चले मिल करके भी और बिना मिले भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की सुविधा भी हमारे कार्यालय में है, बात कर सकते हैं। और हाँ, 8 फरवरी तक लगातार अभी गाजियाबाद में ही हैं, तो गाजियाबाद में तो मुलाकात हो ही जाएगी, अगर आसपास से हैं तो आइए ना, हम आपका वेट करेंगे। नमस्कार, श्री राधे।